देखिए, ये हमेशा ऐसा नहीं होता कि ख़राब होता है, मगर ये है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ है। जब आप कंपोज करते हैं और जब आपको शायद कोई चीज़ अच्छी लगती है, आप उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो तो आपका एक विज़न होता है कि आप उसको कैसे करें। और ये जो आप वेस्टर्न म्यूज़िक का इन्फ्लुएंस बोल रहे हैं, ये इस ज़माने से नहीं है, ये बहुत पहले से है। और बड़े बड़े जो हमारे कंपोज़र हुए हैं, और म्यूज़िक कंपोजिंग चीज़ एक ऐसी है कि जिससे आपको मतलब इंस्पिरेशन आप ढूंढते रहते हैं। आप कोई साउंड से इंस्पायर्ड हो सकता है, या कोई किसी भी कोई छोटी सी मेलेडी हो, उसका कोई एक पोर्शन हो जिससे आप इंस्पायर हो सकते हैं, और उसको फिर आप डेवलप करते हैं अपने स्टाइल से। तो इंस्पायर होना तो बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, जहाँ तक एकदम कॉपी का सवाल है, वो गलत बात है। वो तो कॉपीराइट सोसाइटी भी अलाउ नहीं करती आपको, वो नहीं करना चाहिए। और हम ऐसा सोचते हैं कि हर जो जनरेशन होती है, या 5 या 6 ईयर्स के बाद एक म्यूज़िक में चेंज आता है, एक दौर में एक नई चीज़ शुरू हो जाती है, या कोई एक नया स्टाइल शुरू हो जाता है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। अभी आजकल भी कई मेलेडीज़ गाने इतने अच्छे होते हैं, जब आते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, उसका एक नया अंदाज देखने को मिलता है म्यूज़िक। तो म्यूज़िक तो एक इवॉल्विंग चीज़ है, और जैसा खान साहब ने कहा कि अनंत है ये, तो इसको खोजते रहना चाहिए, इसमें सीखते रहना चाहिए, इसमें डूबते रहना चाहिए। और जो चीज़ आपको इंस्पायर करे, उससे ज़रूर एक रास्ता बनाना चाहिए। ये बहुत एक पॉजिटिव चीज़ है, इसको पॉजिटिव स्टाइल में लेना चाहिए। शान जी, शान इधर, मैं इधर ही खड़ा हूँ जी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपको क्या लगता है कि आजकल जो हिंदी म्यूजिक का जो सीन है, वो बहुत ज़्यादा पंजाबी हैवी हो गया है, आप ऐसा समझते? इसमें इतने सालों में इतने सारे गाने हुए हैं कि कंपोजिंग का जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, उसमें फिर भी बहुत सारे स्कोप अभी तक बाकी है नोट्स की। जैसे आप समझ लीजिए, डॉट डैट डिश के साथ पूरा मोर्स कोड पूरा लिखा गया है, तो कितने उसके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। लेकिन शब्द तो उतने ही हैं, आप नए नए शब्द तो रोज़ याद नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वही एक्सप्रेशन जब आप हिंदी में इतने सालों तक देते आए हैं, उर्दू में या फिर इन्हों कुछ अलग अलग लहजा वाले भी चीज़ों में लाते हैं, लेकिन फिर भी वो हो चुकी है। तो अब वही बात को मैं तुझे क्या समझाऊँ, सुन चुके मैं तेनों समझावा कि, तो कुछ अलग लग रहा है। तो शायद पंजाबी बात अभी लग रहा है कि पंजाबी भी काफ़ी सैचुरेट हो गया है कुछ सालों में। शायद उसमें कुछ गुजराती वाले ऐसे शब्द ले आएंगे, या बंगाली आ जाएगी, या क्योंकि तमिल की चीज़ें हो सकती हैं कैची काफ़ी। तो इट्स जस्ट दैट, और ये तो एक ट्रेंड है जो बनता रहता है। पंजाबी इज़ क्लोज़ टू हिंदी, और पंजाबी के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में समझ में आ जाती है। शायद इस वजह से पंजाबी यूज़ हो रही है, और क्योंकि लैंग्वेज यू कांट कीप इवॉल्विंग, नए नए शब्द आप निकाल नहीं सकते, तो इसलिए वो हो रहा है। अब बस आखिरी सवाल सर, अनूप सर, आप, मुझे पता नहीं था, हम थोड़ा सा बाद में आए थे, तो आप सामने बैठे हैं, हम सारे लोग हैं सर, कुछ आप अगर गुनगुना देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा सर। जरूर गा देंगे। वाह क्या बात है। राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। अब इसमें जो दो पंक्तियां हैं, इसमें जो मैसेज है, जो शिक्षा है, उसको जो अपने जीवन में उतार ले, तो उसका कल्याण निश्चित है। जिस घर में अंधकार, जिस घर में अंधकार, वहां मेहमान कहां से आए। जिस घर में अंधकार, वहां मेहमान कहां से आए। जिस मन में अभिमान, वहां भगवान कहां से आए। अपने मन मंदिर में, अपने मन मंदिर में ज्योत जला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो शान, मेरा सवाल आपसे है। शान, जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि म्यूज़िक का ट्रेंड जो है काफ़ी बदल चुका है, तो आजकल जो है जुड़े हैं इस इंस्टीट्यूट के साथ, और क्या खास बातें देखते हैं कोई भी स्टूडेंट में अगर वो एडमिशन लेना चाहे?
संगीत अगर सही तरीके से सिखाया जाए तो वो जो स्टूडेंट है उसके अंदर एक खास प्रतिभा जन्म ले लेती है। वैसे तो म्यूजिक जो है वो एक गिफ्टेड चीज़ है। आप किसी को लता मंगेशकर नहीं बना सकते, लेकिन आप किसी को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बना सकते हैं। दो चार बार फेल होगा लेकिन डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बना सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना सकते हैं। मोहम्मद रफ़ी तो नहीं बना सकते भाई, ये तो बन के आते हैं। लेकिन उसके बाद जो तराशना होता है वो काम अकेडमी का होता है। यहाँ पर वही आएंगे जिनके अंदर टैलेंट है, और जिनमें टैलेंट नहीं है हम उनको कह देंगे नमस्ते मत आइए, क्योंकि सिर्फ पैसा कमाने के लिए तो एकेडमी है नहीं। ये इसलिए बन रही है कि हम इंडस्ट्री को और फिल्म वर्ल्ड को, म्यूज़िक वर्ल्ड को कुछ अच्छे सिंगर्स ट्रेन करके दे सकें। तो हम ऐसे लोगों को लेंगे ही नहीं जिनमें कुछ है ही नहीं, वो उनमें वो हीरा ही नहीं है, तो हम तराशें कैसे। तो हम हीरे लाएंगे, उनको तराशेंगे बिल्कुल, और फिर आपके सामने पेश करेंगे। सर, म्यूजिक के बहुत सारे जॉनर्स हैं, तो क्या सभी जॉनर्स में उनको ट्रेन किया जाएगा या फिर एक पर्टिकुलर जॉनर पर फोकस किया जाएगा? जैसे कि कोई अगर शास्त्रीय संगीत में निपुण है तो सिर्फ उसके बारे में सिखाया जाएगा या फिर सारे जितने भी जॉनर्स हैं म्यूजिक के सबके बारे में सिखाया जाएगा? शास्त्रीय संगीत तो हर एक को सिखाया जाएगा, जैसे ABCD तो सबको ही सिखाई जाती है, फिर वो इंग्लिश बोलने लगता है। अब वो इंग्लिश में कुछ भी करे तो एक बार शास्त्रीय संगीत को सिखाया गया तो उसकी ऐसी तैयारी हो जाएगी कि वो मुन्नी बदनाम भी गा सकते, कुछ भी गवा लीजिए, उससे मन तड़पत हरि दर्शन को आज भी गवा लीजिए और मुन्नी बदनाम है ये भी गवा लीजिए। तो वो तभी संभव है जब हम उसको एक ख़ास तरीके से ट्रेन करें, और वो ट्रेनिंग क्लासिकल के माध्यम से ही हो सकती है। आज तक जिन लोगों ने क्लासिकल सीख के इस फील्ड में आने की कोशिश की है उन्होंने मरते दम तक गाना गाया है, वो टिके हैं, और वही हट गए हैं जिन्होंने शास्त्रीय संगीत बिना सीखे पैर जमाने की कोशिश की है। तो हमेशा कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम सही सीख के आएँ, क्योंकि वही देर तक चलने वाला है। ललित जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, किस तरह के मतलब क्या प्रिपरेशन होने वाली है अगर आप म्यूजिक सिखाना चाहें स्टूडेंट्स को? माइक्स, म्यूजिक सिखाना चाहें स्टूडेंट्स स्टार्ट। ओके जी सर, किस तरह से जुड़े हैं आप इस इंस्टीट्यूट के साथ और क्या तैयारियां होगी उसको सिखाने के लिए? देखिए, इंस्टीट्यूट तो गज्जी का है और हम सब प्यार से जुड़े हुए हैं उससे, और इस प्रकार से जुड़े हैं कि जो नए कलाकार हैं उनको हम अपने हिसाब से मदद कर सकें, जैसे जो भी ज़रूरत की चीज़ें हो उनको सिखाने की, या जो भी हमारा सपोर्ट हो, मॉरल हो या ट्रेनिंग का हो, हम ये सब करेंगे। और जहाँ तक सीखने का सवाल है, ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में होता है। हर जो म्यूज़िक सीखने वाला होता है उसमें कुछ अच्छाइयाँ किसी हिसाब से ज़्यादा होती हैं और कुछ हिसाब कम हो जाता है, ये उनमें भी होता है, ये हम सिखाने वालों में भी हो सकता है और हम भी सीखने वाले हम में भी हो सकता है, ये होता ही है। क्योंकि जैसा खास साहब ने कहा और हम सब समझते हैं, म्यूज़िक जो है अनंत है, जैसे नॉलेज अनंत है, आप कितना भी चाहें, आप जितना आगे जाएंगे आपको नज़र आएगा कि और बहुत बाकी है। तो वो इंटरेस्ट लेवल जो है और जो सीखने की चाह है वो किसी लेवल में भी होनी चाहिए, चाहे आप कहीं किसी मुकाम में पहुँच गए हों या नहीं। हर इंस्टीट्यूट सर, मुझे आपसे पूछना था कि संगीत के नए दौर को आप कैसे देखते हैं, जो पुराने